हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं हाजिर हूँ आज नई एक वैकेंसी के साथ। तो मैं सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट को देख रहा था, तो मैंने देखा यहाँ पर एक न्यू वैकेंसी इंट्रोड्यूस हुई है। ये यूपी पुलिस ने निकाली है, जो यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है एंड प्रोग्रामर्स की भी इसमें वैकेंसी है। तो ये 2024 में नई वैकेंसी आई है। ये सरकारी रिजल्ट पर आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट है सरकारी रिजल्ट, जहाँ पर लेटेस्ट जॉब आपको दिखाई जाती हैं। और इसी में आप यहाँ आएंगे स्क्रॉल करते हुए लेटेस्ट जॉब में, तो आप देखिए ये है यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ऑब्लिक प्रोग्रामर ऑनलाइन फॉर्म 2024। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक नया पेज आ जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामर, तो ये भर्ती है जिसमें 985 पोस्ट इन्होंने बताई हैं सरकारी रिजल्ट की तरफ से। और इन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड हैज़ रिलीज द एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट अंडर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामर, इन विच देयर आर ए टोटल ऑफ 985 पोस्ट, बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 7 जनवरी 2024 टू 28 जनवरी 2024। यानी कि 985 पोस्ट होने वाली हैं और 7 जनवरी से फॉर्म इसके स्टार्ट हो गए हैं और 28 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। पूरा एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए इन्होंने कहा है कि नोटिफिकेशन हमारा देखिए। तो ये देखिए, इन्होंने आगे मैं चलता हूँ, यहाँ एप्लीकेशन स्टार्ट डेट देखिए 7 जनवरी दी हुई है सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पर, एंड इसकी लास्ट डेट ये 28 जनवरी दी हुई है। तो आप देख सकते हैं ये फॉर्म जो है, जो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है वो फॉर्म फिल करा लें। फीस इसकी क्या रहेगी, फीस देखिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 400 रुपये फीस है, एसटी एंड एसटी के लिए 400 रुपये फीस है, एंड अदर फीमेल कैटेगरी और कोई भी कैटेगरी हो तो सभी के लिए, कहने का मतलब 400 रुपये फीस रखी गई है। फीस में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। गवर्नमेंट जो है एप्लीकेशन लेने के लिए पूरा पूरा पैसा लेती है, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करती है। ठीक है, तो सभी कैंडिडेट आवेदन करें और फीस जमा कराएं। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामर नोटिफिकेशन 2023-24 एज लिमिट एज ऑन 1 जुलाई 2023 को कितनी एज रहने वाली है इस वैकेंसी के लिए, तो कंप्यूटर ऑपरेटर की जो पोस्ट है उसके लिए 18 से 28 साल एज रखी गई है। मिनिमम 18 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स रखा गया। प्रोग्रामर ग्रेड 2 के लिए जो पोस्ट है उसके लिए 21 साल से लेके 30 साल तक की एज कैटेगरी वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर यूपी प्लस पीआरपीबी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामर ग्रेड 2 रिक्रूटमेंट 2023 रूल्स, यानी कि एज में जो छूट रहेगी वो इन्होंने कहा है कि नोटिफिकेशन इनका है उसके अनुसार रहेगी। देखिए आगे मैं देखता हूँ कितनी वैकेंसी है किस किस की। तो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामर रिक्रूटमेंट 2023 वैकेंसी डिटेल, टोटल 985 पोस्ट। ओके, कंप्यूटर ऑपरेटर की 930 पोस्ट है, प्रोग्रामर ग्रेड 2 की 55 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए पीसीएम के साथ, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ सब्जेक्ट अगर आपके पास है, एंड ओ लेवल एग्जाम पास, यानी कि कंप्यूटर का ओ लेवल एग्जाम पास है, पीसीएम है, तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म फिल करा सकते हैं। या और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर कंप्यूटर के एप्लीकेशन का डिप्लोमा हो आपके पास, या आईटी का कोई डिप्लोमा हो, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का हो, तो भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मोर एलिजिबिलिटी डिटेल रीड द नोटिफिकेशन, इन्होंने साथ में लिखा है कि अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इनका ओरिजिनल नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं। प्रोग्रामर के लिए क्या रखा है इन्होंने, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विद नाइलेट ए लेवल एग्जाम, यानी ये कह रहे हैं बैचलर डिग्री के साथ साथ ए एग्जाम का टेस्ट नाइलेट द्वारा जो कराया जाता है वो पास होना चाहिए, और बैचलर डिग्री इन साइंस बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, या फिर आपके पास कंप्यूटर साइंस की बैचलर डिग्री हो। ठीक है, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स विद पीजीडीसीए,
या फिर आपके पास बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस के साथ साथ पीजीडीसीए का भी डिप्लोमा हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी हैं वो देख लीजिए। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो 381 पोस्ट, 930 पोस्ट हैं सॉरी, उसमें से 381 जनरल की रखी गई हैं। ईडब्ल्यूएस की 91 पोस्ट हैं, ओबीसी की 249 पोस्ट हैं, एससी कैंडिडेट की 193 पोस्ट हैं एंड एसटी की 16 है ओनली। टोटल मिला लें तो ये 930 पोस्ट आपकी वैकेंसी आई है। प्रोग्रामर के लिए क्या कह रहे हैं, 24 जनरल हैं, 5 ईडब्ल्यूएस हैं, 14 ओबीसी की हैं, 11 एससी और 1 एसटी। टोटल ये 55 55 पोस्ट हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर में फॉर्म कैसे फिल करना है उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और इसको पढ़ लीजिएगा। बहुत इजी है, ये लिंक इन्होंने दे दिया, लिंक एक्टिवेट है दोनों के लिए और इसके फॉर्म फिल होना शुरू हो चुके हैं। सिलेबस क्या रहेगा वो सब यहाँ पे दिया गया है और इसका जो है नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो ये है। देखिए इसमें वेबसाइट दी गई है uppbpp.gov.in, इस पर जाके आप इस पर देख सकते हैं कितनी सैलरी रहेगी इसमें। इसमें पेमेंट रहेगा 5200 से लेके 20,200, ग्रेड पे इसका रहेगा 2400, नए वेतन में वेतन मैट्रिक्स रुपए 25,500 से स्टार्टिंग है और 81,100 रुपीज तक जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए, इन्होंने कहा है कि अनारक्षित पद यानी कि अनरिजर्व जनरल के 381 जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ वही इन्होंने यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 7 जनवरी से शुरू हो चुके हैं और आखिरी डेट है इसकी 28 जनवरी। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 30 जनवरी। अगर कोई फॉर्म में प्रॉब्लम है, कोई मिस्टेक है तो उसको आप 30 जनवरी को संशोधित करा सकते हैं। आवेदन शुल्क 400 रुपये है, पहले मैं बता चुका हूँ, वही सब ये नोटिफिकेशन है, आप देख लीजिएगा। मैं और एक बार आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलता हूँ, आपको वहाँ से और क्लियर हो जाएगा। ये आपका लिंक है ऑनलाइन, यहाँ पे क्लिक करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओटीपी एक्टिवेशन का लिंक है, यहाँ से लॉगिन कर लीजिएगा। ये देखिए इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ पे 7 जनवरी 2024 इन्होंने कहा है डेट रखी गई है और 28 जनवरी 2024 लास्ट डेट है। ये इन्होंने प्रॉपर यहाँ पे वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी पुलिस की, वहाँ पर दिखाया हुआ है। टोटल वैकेंसी कितनी है उसके बारे में भी देखो यहाँ पे प्रॉपर दिखाया हुआ है वेबसाइट पे। कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए ये है वैकेंसी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फिर हम चलते हैं, आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।